तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से आप किसी भी पर्सन को, किसी भी अपने फ्रेंड को कॉल लगाते हो और दोस्तों वहाँ पर कुछ इस तरह का इशू आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर मैंने कॉल लगाया, कॉल लगाने के बाद यहाँ पर कॉल एंडेड आ जाता है। तो यहाँ से आपको दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो कि किसी भी पर्सन को कॉल लगाते समय आपका कॉल एंडेड ना बताए, तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को फुली वॉच करना हो। वीडियो जरा सा भी स्किप मत कीजिए ताकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस चलते हैं वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ से आपको इसको कट कर देना, कट कर देने के बाद आपको ऊपर से स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको एक फ्लाइट मोड का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए वेट करना होगा। वेट कर लेने के बाद फिर भी आपको इस पर टैप करना होगा। जैसे इस पर आप टैप कर देते हो, टैप कर देने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से आपका नेटवर्क इशू होगा वो आपका वर्क करने लग जाएगा। अगर फिर भी आपकी कंडीशन दोस्तों सही नहीं होती तो यहाँ से आपको बैक करना होगा। बैक कर देने के बाद आपको अपने सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ से अपनी सेटिंग पर क्लिक करता हूँ, इसे दोस्तों हम सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पर क्लिक कर लेने के बाद लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, अगर यहाँ से आपने दो सिम लगा रखे हैं तो यहाँ पर आपको उस सिम पर सेलेक्ट करना होगा जिस सिम से आप कॉल लगाना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक ही सिम लगा रखा है तो मैं उस सिम पर टैप करता हूँ, इसी पर आपको भी टैप करना होगा। जैसे आप उस सिम पर टैप करते हो, टैप कर लेने के बाद लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क पर एसएस पॉइंट नेम और प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप मोबाइल नेटवर्क तीन सेटिंग देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करना हो। जैसे आप प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्रेफर LTE, प्रेफर 3G और 2G ओनली। तो यहाँ से आपको प्रेफर LTE पर सेलेक्ट कर लेना होगा, अदरवाइज अदर किसी पर आपको सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर प्रेफर LTE पर आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ से बैक कर देना होगा। फिर आपकी सिचुएशन दोस्तों ये सही हो जाएगी सिंपली। अगर नहीं सही होती तो यहाँ से आपको फिर और बैक करना हो। बैक कर देने के बाद फिर सेटिंग अगली है यहाँ पर दोस्तों वोल्ट इनेबल्ड की। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑफ है तो आपका कॉल नहीं लगेगा। अगर इस ऑप्शन को आप इनेबल कर देते हो तो आपकी सिंपली 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किसी भी पर्सन को आप कॉल लगाते हो कॉल जाएगा या नहीं। आपको यहाँ से बैक कर देना हो। बैक कर देने के बाद फिर आप किसी भी पर्सन को कॉल लगाइए। यहाँ से कॉल लगाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ से नॉर्मली कॉल जाने लग जाएगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ से कॉल जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी पर्सन को कॉल लगा सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो जैसी भी लगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।